बुरी चुड़ैल टीचर अच्छी चुड़ैल टीचर को ट्रक से एक्सीडेंट करवा देती है। बुरी चुड़ैल कहती है, अब देखती हूँ वो नागिन की बेटी को कैसे पढ़ाती है। स्कूल में फर्स्ट तो मेरे बच्चे ही आएंगे और मेरा नाम होगा। एक गांव में कुछ चुड़ैलों का स्कूल था, जिसमें से एक टीचर अच्छी चुड़ैल थी और दूसरी टीचर बुरी चुड़ैल थी। उसी स्कूल में एक इच्छाधारी नागिन की बेटी भी पढ़ा करती थी। इच्छाधारी नागिन की बेटी बहुत गरीब थी, वह रोज क्लास में लेट आती थी, जिसकी वजह से उसे अच्छी चुड़ैल टीचर डंडा लगाया करती थी, जिसे देखकर बुरी चुड़ैल टीचर बहुत ही खुश हुआ करती थी और कहती थी, और लगाओ इसे डंडे, रोज क्लास में ये लेट आती है, नालायक कहीं की। मुझे तो वैसे भी नागिन की बेटी पसंद नहीं है और मैं नहीं चाहती कि इसके अच्छे नंबर आए। क्लास में फर्स्ट तो मेरे बच्चे ही आएंगे। उस चुड़ैल के बच्चे भी नागिन की बेटी को बहुत परेशान किया करते थे। चुड़ैल का बेटा बोलता है, हमसे ज्यादा पढ़ाई करेगी तू, हम तुझे पढ़ने नहीं देंगे। बहन इसका बैग छीनकर बाहर फेंक दो। वही चुड़ैल की बेटी नागिन की बेटी का बैग उठाकर क्लास से बाहर फेंक देती है। नागिन की बेटी बहुत रोती है, लेकिन वह बेचारी कुछ कर भी तो नहीं सकती थी। एक दिन अच्छी चुड़ैल स्कूल की तरफ जा रही थी। वह देखती है कि नागिन की बेटी अपनी माँ को हॉस्पिटल ले जा रही थी। चुड़ैल टीचर नर्स से पूछती है, ये लड़की यहाँ क्यों आई है और वो कौन है? वह बताती है, ये लड़की की माँ है और ये लड़की इसे रोज हॉस्पिटल लेकर आती है। इसकी माँ बहुत बीमार रहती है। फिर वह देखती है कि नागिन की बेटी भागते हुए स्कूल में चली जाती है। इससे अच्छी चुड़ैल को पता लग जाता है कि वह क्लास में लेट क्यों आती है। क्लास में पहुंचते ही इच्छाधारी नागिन की बेटी टीचर को एक डंडा देती है ताकि उसे वह मार सके। नागिन की बेटी कहती है, ये लीजिए मैडम जी, ये लीजिए डंडा, आज भी मैं लेट आई हूँ, क्या आज आप मुझे नहीं पीटेंगी? लेकिन अच्छी चुड़ैल टीचर उसे नहीं मारती और अपने गले से लगा लेती है। वह कहती है, नहीं मेरी बच्ची, मैंने आज सब देख लिया है कि तुम कैसे अपनी माँ को हॉस्पिटल लेकर जाती हो, जिसकी वजह से तुम रोज लेट हो जाती हो। मैंने तुम पर कितना जुल्म किया है, आज के बाद मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, मुझे माफ कर दो, तुम तो एक बहुत ही अच्छी स्टूडेंट हो। ऐसा कहकर अच्छी चुड़ैल टीचर उसे और भी अच्छे से पढ़ाने लग जाती है और बहुत ही अच्छी शिक्षा देने लगती है। यह देखकर बुरी चुड़ैल टीचर बहुत ही परेशान हो जाती है। वह कहती है, अगर अच्छी चुड़ैल इसे अच्छी शिक्षा देगी तो ये फर्स्ट हो जाएगी और फिर मेरे बच्चे फर्स्ट नहीं आएंगे, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। फिर अगले दिन बुरी चुड़ैल टीचर अच्छी चुड़ैल टीचर को ट्रक से एक्सीडेंट करवा देती है। बुरी चुड़ैल कहती है, अब देखती हूँ वो नागिन की बेटी को कैसे पढ़ाती है। स्कूल में फर्स्ट तो मेरे बच्चे ही आएंगे और मेरा नाम होगा। नागिन की बेटी अच्छी चुड़ैल टीचर को देख लेती है और उसे उठाकर तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाती है। वह उसकी सेवा करती है, जिससे अच्छी चुड़ैल टीचर ठीक हो जाती है। वहीं इच्छाधारी नागिन भी ठीक हो जाती है। एक दिन बुरी चुड़ैल के बच्चे स्कूल जा रहे थे, वहीं एक तेज रफ्तार कार से उन बच्चों का एक्सीडेंट हो जाता है। अच्छी चुड़ैल टीचर और नागिन की बेटी वहीं से जा रहे थे, वह उन्हें देख लेते हैं। नागिन की बेटी कहती है, अरे ये तो बुरी चुड़ैल टीचर के बच्चे हैं, जल्दी से इन्हें हॉस्पिटल ले जाना होगा, नहीं तो ये मर जाएंगे। वह दोनों उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाते हैं। टाइम रहते हुए उनकी जान बच जाती है। डॉक्टर कहता है, अगर इन्हें लाने में जरा सी भी देर हो गई होती तो यह जिंदा नहीं बचते। अच्छा हुआ तुम इन्हें टाइम से यहाँ ले आए, अब वो दोनों ठीक हैं। तुम दोनों ने बहुत ही अच्छा किया। बुरी चुड़ैल यह देखकर रोने लग जाती है और कहती है, मैंने तुम्हारा हमेशा बुरा किया, लेकिन तुमने मेरे बच्चों की मदद की। मैं बहुत ही दुष्ट हूँ, मुझे अपने किए पर पछतावा है। फिर क्या, स्कूल में जब एग्जाम होते हैं तो नागिन की बेटी एग्जाम में फर्स्ट आती है। यह सब देखकर सभी चुड़ैल टीचरें तालियां बजाती हैं और बहुत खुश होती हैं, क्योंकि नागिन की बेटी पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी और काफी इंटेलिजेंट भी थी, इसलिए वह आगे जाकर डॉक्टर बनती है और पूरे चुड़ैल लोग का नाम रोशन करती है। बहुत समय पहले कुछ चुड़ैलें अपने नीले घोड़ों पर सवार होकर जल परियों को लेने के लिए नदी के पास आती हैं। एक चुड़ैल कहती है, बहन यही है वो जल परियों का तालाब और वो रही जल परियां, हमें इन्हीं को लेकर जाना है, जल्दी से यहाँ वहाँ देख लो, कहीं हमें कोई पेड़ बनता देख ना ले, नहीं तो जल परियां हमारे पास नहीं आएंगी। ऐसा कहकर वह सभी चुड़ैलें एक आम के पेड़ में बदल जाती हैं और वह आम के पेड़ धीरे धीरे नदी के पास चले जाते हैं। एक जलपरी की नज़र उन पेड़ों पर पड़ती है। वह जलपरी कहती है,
देखो बहन, ये इतने बड़े बड़े पेड़ यहाँ कहाँ से आ गए, और इन पर तो रसीले आम भी लगे हुए हैं। चलो इन्हें जाकर खाते हैं। दूसरी जलपरी कहती है, बहन ये कोई छलावा भी हो सकता है। लेकिन एक जलपरी को फल खाने का बहुत शौक था, वह चटकोरी जलपरी थी। वह उनकी बात नहीं मानती और पेड़ के पास जाकर एक आम तोड़कर खा लेती है। वह जलपरी आम जैसे ही खाती है उसका सर चकरा जाता है और वह वहीं बेहोश हो जाती है। तभी सभी चुड़ैले अपने असली रूप में आ जाती हैं और जलपरी को वहाँ से ले जाती हैं। यह सब देख बाकी जलपरियाँ घबरा जाती हैं। वे सभी चुड़ैले चांद पर पहुंच जाती हैं, क्योंकि जलपरी ने आम खाया था इसलिए उसकी वजह से उसके पेट में भी एक पेड़ उग जाता है। एक चुड़ैल कहती है, बहनों चांद पर ये सबसे सुरक्षित जगह है जहां हमें कोई भी नहीं देख सकता। चलो अब जो पेड़ पर फल लगे हैं उन्हें खाकर अपनी संख्या बढ़ाते हैं। उस पेड़ पर एक लाल कलर का चमकीला आम भी उगा हुआ था। वह एक श्रापित आम होता है। चुड़ैल उस आम को छोड़कर बाकी सब आम खा जाती हैं और देखते ही देखते वह चुड़ैल कई गुना बढ़ जाती हैं। उसी चांद पर दो छोटे चुड़ैल भी रहती थी। वह यह सब देख लेती हैं और कहती हैं, ये अच्छी बात नहीं है। तुम अपने स्वार्थ के लिए किसी जलपरी को ऐसे नहीं मार सकते। लेकिन चुड़ैलें उनकी बात पर ध्यान नहीं देती और वहाँ से उन्हें भगा देती हैं। भाग जाओ यहाँ से, आई बड़ी समझाने वाली। वह दोनों ही छोटी चुड़ैलें बाकी चुड़ैलों की कोशिशें नाकाम करने के लिए परी के पास पहुँच जाती हैं और परी से सारी बात बता देती हैं। परी यह सब सुन हैरान परेशान हो जाती है। परी उनसे कहती है, जिस पेड़ों में से चुड़ैलों ने फल खाए थे उस पेड़ में एक लाल रंग का श्रापित फल भी होगा। वो फल तुम्हें किसी भी तरह मेरे पास लाना होगा, उसके बाद ही हम कुछ कर पाएंगे। फिर क्या था, दोनों छोटे चुड़ैले बिना टाइम गवाए चुपके से जाकर जलपरी के पेट से उगा हुआ वह लाल कलर का फल तोड़ लेती हैं और वापस परी के पास आ जाती हैं। परी वह फल लेकर और साथ में दोनों छोटे चुड़ैलों को लेकर जलपरियों के पास पहुंच जाती हैं और उनसे कहती हैं, जलपरियों तुम्हारी सहेली जलपरी को बचाने के लिए हम ये श्रापित फल तोड़कर लाए हैं। क्योंकि तुम अच्छाइयों की परी हो, तुम्हारे अच्छाइयों की शक्तियों से ही ये फल श्राप से मुक्त होगा। क्योंकि जलपरिया भी घबराई हुई थी तो वह परी की बात मान लेती हैं और अपनी सारी अच्छाइयों की शक्तियाँ उस फल में डाल देती हैं। वह फल श्राप से मुक्त हो जाता है और उसका रंग भी चेंज हो जाता है। फिर क्या, परी उसे खा लेती है। वह श्रापित फल बहुत ही शक्तिशाली था। जैसे ही परी उस फल को खाती है वह एक बहुत शक्तिशाली अच्छी चुड़ैल में बदल जाती है। परी जैसे ही अच्छी चुड़ैल में बदलती है चांद पर सभी चुड़ैलें जो कि कई गुना बढ़ गई थी वह दोबारा से एक हो जाती हैं। रानी चुड़ैल बहुत घबरा जाती है और उन्हें पुरानी बात बताती है और कहती है, जब मैंने शैतान गुरु की तपस्या की थी तो शैतान गुरु ने वरदान देते हुए कहा था कि हमें जलपरियों के पेड़ से उगे हुए फल खाने होंगे जिससे कि हम संख्या में डबल हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने ये भी कहा था, चुड़ैल रानी उस जलपरी के पेट से जो पेड़ उगेगा उस पे एक लाल रंग का श्रापित फल भी उगा हुआ होगा, उसकी रक्षा तुम्हें करनी होगी, वह किसी के हाथ नहीं लगना चाहिए। लेकिन बहनों लगता है वो अब किसी के हाथ लग गया, जल्दी से चलो हमें उस जलपरी को छुपाना होगा। ऐसा कहकर सभी चुड़ैले गुफा की तरफ भागती हैं। लेकिन अच्छी चुड़ैल बनी परी उनके आने से पहले ही जलपरी को आजाद करा लेती है और जलपरी को ठीक कर देती है उसके पेट से पेड़ हटाकर। चुड़ैलों को नहीं पता था कि जलपरी आजाद हो चुकी है। वह जलपरी को आजाद हुआ देख काफी हैरान होती हैं। वह सभी चुड़ैले दोनों छोटी चुड़ैलों को पकड़ लेती हैं और परी से कहती हैं, अगर तुम इन्हें मरता हुआ देखना नहीं चाहते तो अपने आप को खुद ही बंदी बना लो। अच्छी चुड़ैल परी कुछ नहीं कर सकती थी, वह खुद को बंदी बना लेती है, इसके अलावा कोई चारा नहीं था। फिर क्या, सारी चुड़ैले दोबारा शैतान गुरु को बुलाने के लिए और उनसे वरदान लेने के लिए यज्ञ करने लगती हैं ताकि उन्हें वरदान दोबारा से मिल सके, क्योंकि एक वरदान तो विफल हो गया था उस परी की वजह से। लेकिन पीछे से जलपरी कैसे भी करके उस जाल को अपनी अच्छाइयों की शक्ति से तोड़ देती है जिससे अच्छी चुड़ैल परी आजाद हो जाती है और वह बिना टाइम गवाए यज्ञ कर रही सभी चुड़ैलों को मार देती है।